अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर एक बार हमारे YouTube चैनल दक्कन आयुर्वेदिक में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में कुदरत के ख़जानों में भरी पड़ी हुई एक बूटी, एक पौधा लेकर हाजिर हैं जिसको पवाड़ के नाम से जाना जाता है। ये बरसात की आमद पर अपने आप हर जगह उग जाता है, इसकी कोई खेती की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 2 फीट से 3 फीट तक ऊँचा होता है। इसके पत्ते सना के पत्तों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। कई धोखेबाज लोग सना के पत्तों के साथ इसके पत्ते मिलाकर फरोख्त करते हैं। इसके फूल छोटे छोटे पीले रंग के होते हैं। इसकी जड़ लंबी केंचुए की जसामत की मानिंद होती है, इसलिए इसका नाम चक्करमर्द भी कहा जाता है। आइए आपकी जानकारी में इजाफे की गर्ज से इसके चंद और नाम बता दें, जिसे अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। इसका मशहूर नाम पवाड़ है, फारसी में संगसबोया, अरबी में संजोया खलब संजोया, संस्कृत जबान में चक्करमर्द दोजो दहन, बंगाली जबान में चाकोदा, तमिल में मुघरे तगरे, मराठी में पवाड़िया टांकाला, गुजराती जबान में कवाड़ियो, पंजाबी में पवाड़ चकंदा, लातिनी जबान में केसिया टोरा और अंग्रेज़ी में रिंगवॉर्म प्लांट कहते हैं। आपके इलाके में इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप दुनिया की सभी जड़ी बूटियां और पेड़ पौधों के बारे में दिलचस्पी रखते हों और उससे मुतालिक जानकारी जानना चाहते हों तो हमारे YouTube चैनल दक्कन आयुर्वेदिक को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के निशान आल पर क्लिक कर दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो YouTube पर अपलोड करें इसकी जानकारी बआसानी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, जानकारी बहुत अहम होने वाली है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे, जो इंसान के लिए किस हद तक मुफीद और फ़ायदेमंद है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल सफ़ेद दागों के लिए बहुत मुफीद है। इसके लिए इसके बीज, जंगली अंजीर की जड़, नरकचोर, बापची हम वजन लेकर पानी में पीस लें और सफ़ेद दागों पर लीप करें। इसका इस तरह का इस्तेमाल बैरूनी तौर पर फ़ायदेमंद साबित होता है। सफ़ेद दागों के लिए इसका दूसरी तरह से इस्तेमाल इस तरह है कि इस पौधे के बीज, पवाड़ के बीज 1 किलो, दूध गाय 2 किलो, घी असली 200 ग्राम, गंधक आमला सार 20 ग्राम लेकर इन सब को नरम आग पर जोश दे। जब दूध जल जाए तो उतार कर ठंडा कर ले और सफ़ेद दागों पर लीप करें। इसे चंद ही दिनों में सफ़ेद दाग दूर हो जाते हैं। इसका अगला इस्तेमाल खांसी में भी किया जाता है। इसके लिए बीज पवाड़ 4 ग्राम खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल कराएं। बलगमी खांसी में बहुत मुफीद है। ये आंतों के लिए मुजीर है। दूध दही और फूल गुलाब इसके मुजीरात को दूर करते हैं। इसकी मकदार खुराक बीज 3 ग्राम से 6 ग्राम तक और पत्ते 3 ग्राम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके जोशांदे से नहाना बैरूनी तौर पर फोड़े फुंसियाँ और स्किन इन्फेक्शन और जिस्म पर खारिश को दूर करता है। फोड़े और फुंसियों के लिए इसके चंद पत्तों को कैस्टर ऑयल, अरंडी के तेल में पीसकर फोड़े फुंसियों पर लीप करना इन्हें तहलील कर देता है। दांत के लिए इसके पत्ते और आग के फूलों के साथ खट्टे दही में पीसकर लीप करने से दांत दूर हो जाते हैं। मॉडर्न रिसर्च के तहकीक के मुताबिक मालूम हुआ है कि इसके बीजों में सोफेनिक एसिड पाया जाता है, जो जल्दी अमराज में फ़ायदेमंद होता है। इसकी जड़ की छाल, हल्दी और दारू हल्दी हम वजन पानी में पीसकर लीप करना जिस्म के किसी भी हिस्से पर होने वाले वर्म को दूर कर देता है। दोस्तों, आज तक के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।